हेलो फ्रेंड्स, सेट सी यूपीटीईटी का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। जो भी छात्र आज एग्ज़ाम दिए हैं, अपने अपने आंसर्स को मिला लीजिए। जो भी आंसर्स हम यहाँ पे देने जा रहे हैं, ये 99% तो सही है, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये हम लोग खुद सॉल्व करके आंसर्स दिए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, फिर भी अगर आप इस सॉल्यूशन को चेक करते हो या इस सॉल्यूशन से आपके जो भी मार्क्स आते हैं वो आपके एक्चुअल मार्क्स के आसपास ही होंगे। मुश्किल से एक दो मार्क्स का असर पड़ेगा, बाकी 99% गारंटी है कि क्वेश्चंस लगभग सही होंगे। आओ आप लोग धीरे धीरे वन बाई वन अपने आंसर्स को चेक करो। देखो ये सेट सी का सॉल्यूशन है, ध्यान देना। सह सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, क्वेश्चन सेम थे, बस क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग है, ऑप्शन की पोजीशन भी इंटरचेंज्ड है। तो चाहो तो आप सेट ए वाले, सेट बी वाले और सेट डी वाले भी इस सॉल्यूशन के माध्यम से अपने नंबर्स चेक कर सकते हो। ये सॉल्यूशंस ऑफिशियल नहीं, लेकिन ऑफिशियल से भी कम नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अपन सबसे पहले अपन बाल विकास करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, स्वतःशोध, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका जो आंसर है वो है स्वतःशोध। क्वेश्चन नंबर टू जो है, सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो है रॉस, एविंगहाउस, स्किनर, एमएल बिग्गी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गेट्स ने कहा था तो, और वो ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद है कि ये कोर्ट में जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या ऑफिशियली इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम की प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अभ्यास, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, चौथा तत्परता का नियम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तीसरा है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्वेश्चन नंबर चार है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका आंसर है व्यवहार, ऑप्शन नंबर वन व्यवहार। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन दूसरा नाम है किसका है? ये नाम है प्राचीन अनुबंधन का, जो कि सेट सी में ऑप्शन नंबर दो पे है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से अधिगम की विशेषता जो है वो है, अधिगम का अवलोकन पृथक रूप से किया जा सकता है, ये बात गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका जो आंसर है वो परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर आठ, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के का छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, केवल विशिष्ट, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर पहला, सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन नंबर टेन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन नंबर टू है, गणना दोष परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, चौथा संवेदनशीलता। तो इसका आंसर है संवेदनशीलता चौथा। बारहवां, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इसका आंसर है दैहिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह पे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो
तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो है पहले ज्ञान, फिर अनुप्रयोग, फिर अवबोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर उसके बाद आखिर में आता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक विशेषता है अच्छे शिक्षक की, सहानुभूतिपूर्ण अच्छी विशेषता है, स्वेच्छाचारी नहीं, स्वेच्छाचारी शिक्षक की जो शिक्षक जो होते हैं वो स्वेच्छाचारी नहीं होते हैं और ये शिक्षण की कोई विशेषता भी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, सभी लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ये है व्यवहार परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के लिए स्थानांतरण के लिए जो उपयोगी है वह है कौशल स्थानांतरण, एक गति है ना कि उद्देश्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो देखो सरल से कठिन, तो भाई हमें पहले सरल से कठिन की ओर जाते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर, सही बात है, पहले हम दृश्य से अदृश्य की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे डाउट हो रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने की संभावना है। वैसे हम निगमन से आगमन भी जाते हैं और आगमन से निगमन भी जाते हैं, तो संभावना जो है वो है 90% संभावना जो है, अधिकतम जो संभावना है वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? वो है अन्वेषण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब इसमें तीन ऑप्शन तीन दिए हैं अपने पास, ए बी सी, तो इसमें तीनों ही है, ए भी है, बी भी है और सी भी, इसलिए हम चौथा आंसर लगा देंगे ए बी और सी। यह एक एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वह करेगा दृष्टि संवेदना के अनुसार। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? वो है 2 से 7 साल तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। 25 में है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो इसका सब लोग ही जानते हैं चोमौस्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो भाई ये भी सब जानते हैं, अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रोय अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 28, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो ये है मूर्त संक्रिय अवस्था। 29, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो है सहायता परक व्यवहार। अब चलते अगले विषय पे, ये हो तो हो गया बाल विकास, अब हम आते हैं अपनी भाषा हिंदी भाषा पे। तो हिंदी भाषा में जो सेट सी में जो 31 क्वेश्चन है वो है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जुड़ा सही नहीं है? तो शिवराज भूषण और भूषण, ये जुड़ा सही नहीं है। लेखक और उसकी कृति की युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो ये है आर्यों का देश, डॉक्टर संपूर्ण नंद, ये गलत है। ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ मेरा यही विचार है, ये वाक्य गलत है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? वो है अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 36, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जगद गुरु अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये युग्म गलत है। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागिर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। इस उपरोक्त 2 में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है श्लेष अलंकार। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में होता है तत्पुरुष समास।
देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 41 में प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में प्रा उपसर्ग का प्रयोग है। तुलसीदास किसकी कविता है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि प्लस कार, ऑप्शन नंबर तीसरा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पहिया क्या है? पुल्लिंग है। यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए, तो सर्वनाम एकवचन एवं स्त्रीलिंग। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? सा सीटी वाला, सा षटकोण वाला और सा सब्जी वाला, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प। 56 ऋत का विलोम क्या है? अनृत। 57 संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, तो सम उपसर्ग है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य। 59 तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? आंत और अंतर, ये मेल गलत है। लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंद गुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, ये मेल गलत है। अब चलते 61 पे, और यहाँ पे अब स्टार्ट हुई अंग्रेजी। 60 क्वेश्चन निपट चुके हैं। अब जिन लोगों की अंग्रेजी लैंग्वेज है वो इसको मिलाएं। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? तो भाई इसमें प्लूरल कौन है? तो माइस प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस मैं कौन सा सेंटेंस है? तो ये जो है ही वॉज हिट बैडली, ये एक्टिव में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस? तो भाई ही वॉज असिस्टेड बाई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये पेसिव में है। 65 दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग? तो यहाँ पे द का जो यूज है वो डेफिनेट आर्टिकल की तरह है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। 66 दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट? तो इसमें उसने बोला कि स्टूडेंट्स का क्या उनसे जेंडर है? तो भाई स्टूडेंट्स कॉमन जेंडर होता है, सब लोग जानते हैं। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, तो ये इसमें वॉज लगा है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम? तो भाई किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग होती है वो उस लिसनिंग से होती है। हम बचपन से लिख नहीं सकते, ना रीड कर सकते हैं, ना स्पीक कर सकते हैं, हम सिर्फ लिसन कर सकते हैं। वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? तो पोएट्री का जो मेन पर्पज होता है वो होता है टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज और हर वर्क। 70 में यस्टरडे आई सॉ, एक्चुअली यूरोपियन में ईद अल्फाबेटिकली, बेसिकली आर्टिकल का यूज अल्फाबेटिकली नहीं होता है, ये साउंड पे होता है। तो यूरोपियन में या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो इसमें ए लगेगा। राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, तो ए और एन यानी कि इसका दूसरा हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, ये करेक्ट सेंटेंस है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, अ प्रिजन वॉज एक्यूज टू मर्डर। द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज क्लेवर, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज मैग्निफिसेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एन? ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्शन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द दिस ड्रेस इज योर्स एंड द दैट वन इज माइन। यहाँ पे योर ड्रेस नहीं आएगा, दिस ड्रेस इज योर्स आएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, ही हैज द, हाँ इसमें इंट्रोगेटिव एक्टिव में दे रखा है, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। अब चलते 78 पे, यहाँ पे पैसेज दे रखा है, आप इस पैसेज के बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर? सब लोग जानते हैं नाउन है क्या है, प्रॉपर नाउन है, नाम है एक प्रॉपर, तो गंगापुर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड ब्रेव? ब्रेव क्या एक एडजेक्टिव है, ही इज अ ब्रेव मैन। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेव मैन की विशेषता को बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन सब लोग जानते हैं, जो मटेरियल से बनाओ, गोल्ड यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कनेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच काइंड ऑफ द नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हार्ड। हार्ड एक प्रकार से एडवर्ब है, जैसे ही इज वर्किंग हार्ड। हार्ड यहाँ पे वर्किंग की विशेषता को बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज कंजक्शन, तो कंजक्शन किस सेंटेंस में, यहाँ पे कंजक्शन जो है वो है वट। सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल। तो ये दो सेंटेंस को जुट रहा है, कौन जुट रहा है, बट जुट रहा है, इसलिए क्या है, कंजक्शन है। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पहचान क्या हो, जिसमें हैज और हैव हो, तो जिस भी सेंटेंस में हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ड है, तो यहाँ पे डेरोगेटरी वर्ड क्या है, मिसस्पेल्ड है। डेरोगेटरी में टी के बाद ओ होता है। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन ट्रांसिटिव वर्ब, सी राइट्स वेल, में राइट्स जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, अरे भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है, नेगेटिव कौन सा जिसमें नॉट हो, तो नॉट किस में, तीसरे में, ही डज नॉट लिसन टू मी। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लास्ट में है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको। अब 91, चलते हैं मैथमेटिक्स पे, सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि सब लोग थियोरेटिकल सवाल तो कर। 91 में 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, देखो अगर 61 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 8 = 56, यानी 56वें दिन तो शुक्रवार होगा। अब चूंकि 56 में अगर हमने 5 जुड़ा तो 61 हो जाएगा, तो शुक्रवार के 5वें दिन होगा बुधवार, यानी जो 61वां दिन है हमारा उस दिन बुधवार होगा। चूंकि इसने पूछा 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो यानी हमें 61 दिन के बाद वाला बताना है, तो 61वें दिन तो होगा हमारा बुधवार, 61 दिन के बाद जो होगा वो होगा बृहस्पति। तो इसका आंसर वैसे बृहस्पतिवार होगा, काफ़ी लोगों ने बुधवार लगाया है, उन्होंने आंसर जो दिया है वो 61वें दिन का आंसर दे दिया है। 92 में एक्स और वाई में डिफरेंस पूछा गया है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 110 के वर्टिकल या अपोजिट एंगल 110 हो जाएगा, फिर इन दोनों का वैल्यू 180 होता है, तो वाई का वैल्यू 70 हो जाएगा, एक्स का 60 हो जाएगा, 70 में 60 या 10 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक वस्तु को 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 93 में, तो एक्स का 120% 390 कर देना, तो आपका डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बाकी रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो आप, 100 मान के भी कर सकते हो उसको। 94 में है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताएं, तो भाई 5,000 की वृद्धि हो गई 60,000 पे, तो 5,000 × 60,000 × 100 तो हो जाएगा 8.3%। 95 में क्या हुआ, 40 व्यक्ति ने 30 दिन में 200 किलो खाया, तो 40 का गुणा 30 में करो, 2 से भाग दो, बराबर एक्स गुणा 30/500, तो इससे एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 100 आ जाएगा, यानी 100 दिन में ख़त्म करेंगे। अब है 96, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज की भुजा, तो यहाँ पे सम चतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है d1² + d2² = 4 × a², तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 100, और a² = 100, तो a बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस 97 में चक्रीय चतुर्भुज है, अगर सी ए क्यू 70 है तो सी डी ए भी 70 होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और ये बाह्य कोण है, और अगर आम चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण 180 होता है, तो सी डी ए अगर 70 है तो सी बी ए कितना होगा, 110 हो जाएगा। 8 पेन का विक्रय क्रय मूल्य 6 रुपया है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये का लाभ हुआ, 6 रुपये पे हुआ गुणा 100, तो हो जाएगा 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 99 में 3/5, 4/5 की मध्य कौन सी संख्या नहीं आती है, तो वो है 16/30 नहीं आती है। 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है, तथा 4 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 है, तो 24 पेन का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ 4 पेंसिल और 16 रबर में आप 4 का भाग दे दो, तो 2 पेंसिल और 4 रबर आती है 70 रुपया में, तो 92 में 70 घटा दोगे तो 3 पेन का वैल्यू आ जाएगा, 3 पेन की वैल्यू आएगी 75, तो 1 पेन हो जाएगा 25 का, 24 × 25 कर दोगे तो 600 आंसर हो जाएगा। 101 में जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि 2 भुजा और उनके मध्य कोण से हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। 107 में जो पूछा है, 50% लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई 20%, तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो भाई क्षेत्रफल बढ़ेगा
50 20 70 और 10 80 80% बढ़ यानी 100 से हो जाएगा 180। तो 0 0 काट दो तो 2 5 10 2 9 18 यानी 5 से 9 हो जाएगा। तो कितना गुना होना 5 का, कितना गुना 9 होता है भाई, 5 का 9/5 गुना 9 होता है, तो आंसर हो जाएगा 9/5। 103 में सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस तो फारेनहाइट में कितना होगा 98.6 होगा। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 9/5 C + 32 यानी 9/5 × 37 = 32। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका होगा 3.4485 यानी तीसरा होगा आंसर इसका। 105 एक राशि साधन ब्याज पर 10 वर्ष दुगनी हो जाती है तो कितनी वर्ष में राशि उस पर तिगनी हो जाएगी। भाई 1 साल में 2 रुपया हो जाता है, तो यानी 1 रुपया मिला ब्याज 10 साल में, तो अगले 10 साल में फिर 1 रुपया मिलेगा, तो 2 रुपया कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, तो यानी 20 साल में हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 80 मीटर व्यास वाले वृत्तपार के अंदर अगर भाई 80 मीटर व्यास है तो इसका बेकण हो जाएगा √2, तो √2 बराबर हो जाएगा अपना 80 यानी 80/√2 हो जाएगा आपका बिकर्ण, बिकर्ण स्क्वायर बटे तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 3200 आंसर आ जाएगा। अब 240 में से इसने 52 अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसा करो इसको 360 डिग्री में होगा 240 अंक यानी 240 अंक बराबर 360, तो 1 अंक बराबर 360 बटे 240, तो 52 अंक बराबर 360/240 × 52, तो आ जाएगा 78 डिग्री। 108 में पी का पी प्रतिशत 36 है, तो पी बराबर तो पी स्क्वायर गुणे 36 बट पी का पी प्रतिशत 36 पी गुणे पी बटे 100 बराबर 36, तो पी स्क्वायर बराबर 3600, तो पी बराबर 60 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2352 में 2352 के आप फैक्टर कर लो 2 और 3 और 7 के टर्म में, तो जो एक्स वाई जेड के जो पावर्स आएंगे तो उनको जोड़ देना, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो गुस्सा यहाँ पे डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं 5 कुछ लोग कह रहे हैं 6, तो देखो ध्यान से ये लास्ट में हमने पढ़ाया भी था 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी, तो समभाजक की बात करिए, देखो पहला समभाजक तो 100 का 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 50 होगा, तो 2 4 10 20 और 50 5 तो ये हो ही गए, लेकिन कोई भी संख्या स्वयं का भी अपना भाजक होती है, तो यानी 100 भी अपना इसका स्वयं का भाजक है, तो अगर 100 से कम बोलता तो 5 भाजक, लेकिन उसने बोला 100 के समभाजकों की संख्या, तो 100 भी स्वयं का भाजक है, तो क्या हो जाएगा इसका 6 आंसर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं 111 में, तो 15 × 15 × 15 / 3 × 3 × 3 तो आ जाएगा आपका 125 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0, शेष इसमें 0 रहेगा। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग दे रखा है, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे भी फॉर्म लगेगा 2160 बराबर n − 2 × 180 डिग्री, तो n − 2 हो जाएगा 12, तो n बराबर हो जाएगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या क्या होगी 2 होगी। यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सही 1/2 11 सही, तो आधा आधा 4 बार है, तो 2 हो जाएगा ये, और सबको जोड़ दो तो 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, आखिरी में 6 किसके 12 36 को ये आंसर हो जाएगा। इसमें दिया 1 का मान 9 2 का मान 10, तो रख दो 9 9 81 10 2 100 100 81 81 में से 90 घटाएगा तो 91 आंसर हो जाएगा 116। ये ध्यान देना एक्स वाई का मान जो है वो शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, तो इसका मान तो ध्यान दो यहाँ पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू रखो ना आप, कोई भी वैल्यू 100 - 100 3 300 1000 हमेशा इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा धनात्मक ही आएगा। इसमें कुछ लोगों ने धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही लगाई, ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता, इसका आंसर होगा हमेशा धनात्मक। ये बहुत आसान है, 4 और 3 7 6 और 1 7 3 2 5 4 1 5 2 6 5 11 7 4 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। 119 में हो गए यदि कहीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए, भाई ए का कितना ए और बी में बराबर 125 यानी कि ये होगा 5 की घात 3 = 125, उसने बोला उल्टा कर दो तो 3 की घात 5 = 243। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन होने वाली सबसे छोटी संख्या 2520 आंसर है इसका। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर भी करें, जिससे लोगों अपने अपने आंसर्स चेक करें। ये भी जितने भी आंसर्स हमने यहाँ पे दिए हैं 99% ये आंसर्स लगभग बिल्कुल सही हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए हों गलती जल्दबाजी की वजह से, तो हम उस आप हमें कमेंट करें तो हम उसको पिन कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।